नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनीश है और मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक और धमाकेदार खबर लेकर इस वीक की, जिसका कि लोगों को इंतजार रहता है पूरे साल के। एप्पल अपना आईफोन कब रिलीज करेगा? तो आइए दोस्तों, हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि एप्पल आईफोन क्या इस बार बेहतर लेकर आ रहा है। उसको ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास में नहीं आई है, पर जो भी आई है मैंने सोचा कि आपके सामने हम लोग इसको पेश करें। तो आइए शुरू करते हैं आईफोन 11 के बारे में। तो दोस्तों, आईफोन 11 के साथ एप्पल आईफोन 11 अपनी नई सीरीज लेकर आने वाला है अगले महीने। और न्यूज के जहां हमको रिपोर्ट मिली है कि ये आईफोन पिछले आईफोन से ज्यादा मजबूत रहेगा और इसकी बॉडी शटर प्रूफ रहेगी और इसके अंदर बेहतर फेस आईडी का जो फंक्शन है वो देखने को मिलेगा। तो अगले जैसा कि हर साल की तरह इस बार भी अगले महीने जो सितंबर अक्टूबर में एप्पल अपना आईफोन लॉन्च करने वाला है, इसका नाम एप्पल आईफोन 11 रहेगा ये तो, या कुछ और होगा ये तो फिलहाल साफ नहीं है। लेकिन उम्मीद ज़्यादा यही की जा रही है कि एप्पल अपना आईफोन 11 सीरीज ही के नाम से लॉन्च कर सकता है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक हो सकता है कि एप्पल आईफोन 11 प्रो के नाम से लॉन्च करे अपना फोन, और जिसके अंदर की शेटर प्रूफ ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। इस रिपोर्ट से कम यूजर्स के अंदर एक उम्मीद जगी है कि आईफोन 11 जो है इस बार थोड़ा सा ज्यादा मजबूत रहेगा पिछले आईफोन के मुकाबले में, और वाटरप्रूफ जो फीचर है जो पिछले आईफोन में भी हुआ करते थे, पर इस आईफोन के अंदर बेहतर और इम्प्रूव्ड वाटर रेजिस्टेंट देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार फ्रंट कैमरे में भी कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली जो ट्रेंड चला आ रहा है जो हमने पिछले कई दिनों में देखा है, जैसे Xiaomi Redmi ने भी अपना 8 और 8 Pro रिलीज किया जिसके अंदर काफ़ी अच्छे कैमरास उन्होंने मेगापिक्सल के कैमरा दिए हैं, जिसमें हाईएस्ट मेगापिक्सल 64 मेगापिक्सल का तो बैक कैमरा है और 48 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। तो हमें लगता है कि आईफोन जो है इस बार अच्छा और भी अच्छा अपना कैमरे का फंक्शन लेके आएगा और अच्छा कैमरा उसके अंदर फ्रंट और बैक कैमरा दे सकता है। उसकी क्वालिटी, फोटोग्राफी क्वालिटी और वीडियोग्राफी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है। कैमरे का मॉड्यूल तो सामने आ चुका है, हमने देखा कि कैमरे का मॉड्यूल में आपको पिक्चर में देख सकते हैं, जैसा कि आप कैमरे का मॉड्यूल चौकोर है और ये तीन रेयर कैमरे के साथ में देखा जा सकता है। तो इन तीन रियर कैमरे में एक वाइड रेंज वाइड एंगल का लेंस भी इसमें लगाया जाएगा ऐसा न्यूज़ में है। हमने रिसेंटली रेडमी नोट 8 और रेडमी नोट 8 प्रो में भी हमने ये चीज़ देखी थी, उन्होंने वाइड एंगल लेंस का यूज़ किया है। तो एप्पल भी ऐसा ही कुछ लेके आ सकता है, पर एप्पल का अपना एक अलग सा मार्केट है तो उसका कस्टमर बेस ही बिल्कुल अलग है, और उसका जो क्वालिटी ऑफ द वीडियोग्राफी है, क्वालिटी ऑफ द पिक्चर है, वो काफ़ी बेहतर है, जैसा कि हमने पिछले आईफोन्स में देखे हैं। और हाल मैं भी यूज़ करता हूँ अपना आईफोन, तो मुझे पता है कि उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो इसमें खासकर इसमें तीसरा जो कैमरा रहेगा वो अल्ट्रा वाइड एंगल रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके अंदर ये हो सकता है कि प्रोसेसर इस बार वो कुछ काफ़ी अच्छा लेकर आए, और उसका जो परफॉर्मेंस है जो पिछले आईफोन से हर बार अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, तो इस बार कुछ बेहतर प्रोसेसर लेके आएंगे जिससे कि यूजर्स को ज़्यादा इजी रहे, बेहतर रहे और फास्ट हो। रिपोर्ट के मुताबिक आईफोन 11 के फ्रंट कैमरे में फेस आईडी सेंसर दिया जाएगा जो कि पहले से काफ़ी बेहतर होगा, उसे फेस अनलॉक करने के लिए काफ़ी बेहतर और सटीक माना जा रहा है, क्योंकि ये अलग अलग एंगल से भी फेस को डिटेक्ट करके और फोन को अनलॉक कर देगा। तो ये काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं जो एप्पल आईफोन लेके आ सकता है। तो देखते हैं हम अगले महीने वो कौन सा और क्या अच्छे फीचर्स लेकर आता है। जैसे ही हमारे को कुछ हम लोगों को कुछ न्यूज़ मिलेगी, हम लोग आप तक पहुंचाएंगे। जहाँ तक कि हमारा काम का सवाल है, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी वीडियोस हम लोग अपलोड करें वो सीधा पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।